मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अनोखा मामला सामने आया है। डिप्टी कलेक्टर ने सरकारी स्कूल में किराए के 8वीं फेल युवक को बच्चों को पढ़ाते हुए धरा है। सरकारी शिक्षक ने किराए से रखा था 8वीं फेल युवक। कई दिनों से ग्रामीणों ने नहीं देखा सरकारी शिक्षक। डिप्टी कलेक्टर ने पंचनामा बनाकर SDM को सौंपा है। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर सेगांव तहसील की ग्राम पंचायत देवली के किराड़िया फालिया के प्राथमिक विद्यालय में डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो दंग रह गए। यहां 23 बच्चे दर्ज हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक शिक्षक रामेश्वर रावत और झबर सिंह रावत पदस्थ है, लेकिन दोनों शिक्षक नदारद थे। उपस्थित रजिस्टर में दोनों शिक्षकों के 5 दिन के हस्ताक्षर नहीं थे। जब पढ़ा रहे युवक दयाल सिंह से किराड़े ने पूछा तो डिप्टी कलेक्टर के होश उड़ गए। दरअसल सरकारी टीचर रामेश्वर रावत ने उसे 4,000 रुपये महीने पर पढ़ाने के लिए रखा है। पढ़ाने वाले युवक ने बताया कि 8वीं फेल है। किराए के मास्टर साहब ईमानदारी से पढ़ा रहे थे और जिन्हें सरकार 1,000 रुपये महीना देती है ये घर पर आराम फरमा रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर चौहान ने इस बात की पुष्टि के लिए ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ शिक्षक रामेश्वर रावत कई दिनों से नहीं आए। जब दयाल सिंह से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन शिक्षक रामेश्वर रावत द्वारा मासिक 4,000 रुपये दिए जाते हैं और मैं यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। डिप्टी कलेक्टर चौहान ने बताया कि इस प्राथमिक शाला में रामेश्वर रावत और जबर सिंह चौहान शिक्षकों की नियुक्ति की गई। मौके से दोनों ही गायब थे। जब रजिस्टर देखा गया तो रजिस्टर में भी पिछले 5 दिनों से हस्ताक्षर नहीं पाए गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। निरीक्षण में जो लड़का पढ़ा रहा था वो 8वीं फेल था और उससे जब पूछा गया और गांव वालों से मैंने वहाँ पे चर्चा की और उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो लड़का 8वीं फेल है और उसको 4,000 जो रामेश्वर रावत वो वहाँ पर उनकी पदस्थापना है और वहाँ पे आते नहीं है लंबे समय से, वो आ नहीं रहे वहाँ पर। कितने स्ट्रेंथ क्या है सर वहाँ पर? 23 बच्चे दर्ज हैं वहाँ पर। कितने टीचर हैं वहाँ पर? वहाँ पर 2 टीचर हैं, जबर सिंह वो भी अनुपस्थित थे वहाँ पर और एक जो है रामेश्वर रावत ये भी अनुपस्थित थे। पर रामेश्वर रावत ने उस लड़के को जिन्होंने 4,000 पर पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। अब क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसमें? कार्रवाई के लिए मैंने मौके पर पंचनामा बनाया है और प्रतिवेदन के साथ में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन को प्रेषित कर। सर कितनी स्कूलें चेक करी है? मैंने शुरू से अभी तक काफ़ी स्कूलें चेक करी है, 25-30 स्कूलें मैंने चेक की है। उसमें टीचर जो जो अनुपस्थित पाया गया उनको मैंने पहले बार में कारण बताओ नोटिस BEO के माध्यम से जारी करवाए थे और ये मेरी लगातार कार्रवाई है। इस तरह का सर जो मामला पहले कभी देखा गया? इस प्रकार का जो मामला है ये बच्चे को रखना, टीचर स्कूल में नहीं आना, सैलरी वो उसको देते हैं दैनिक मजदूरी के आधार पर इस टाइप से, ये पहला मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये दोनों जो टीचर पदस्थ थे सर वो स्थाई हैं? स्थाई टीचर स्थाई है, दोनों टीचर स्थाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।